Most welcome all of you to the Flora Academy. Today we are going to learn some fill in the blanks of 12th class and 10th class. So listen carefully. Our first is I have seen places of historical importance in this city. तो ध्यान रखिए इसमें ए एंड द नो आर्टिकल इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से अपने को एक भरना है. तो ध्यान रखिए यहाँ पे places, places वर्ड दिया हुआ है. यहाँ पर आई हैव सीन डैश प्लेसेस दिया, तो प्लेसेस में ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए ए एन आना नहीं है. और इसमें द का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा. सेकंड है द बॉय द बर्ड ब्रैकेट में कैच कैचेस और कैचेस. इसमें दो ऑप्शन एक जैसे दिए गए हैं, सेकेंड और थर्ड. तो कई बार ऐसा एग्ज़ाम में भी हो जाता है, तो और गाइड में भी ऐसा कई बार देखा गया है, ये जानबूझकर ऐसा सेंटेंस दिया गया है. एक्चुअल में एक कैचेस के अंदर ई नहीं आना है और एक में ई एस लगेगा, तो आप इसमें से उस ऑप्शन को भरेंगे जिसके पीछे ई एस लगा हो, कैच के पीछे ई एस लगा हो, तो ई एस कैचेस. नंबर थ्री, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ज्ञान खतरनाक होता है. तो इसमें अ लिटिल लिटिल फ्यू, फ्यू है जो है आपका काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर जो है लिटिल और आ लिटिल में से ही यूज़ होगा. तो यहाँ पे जो लिटिल है आपका वो नेगेटिव सेंस देता है, आ लिटिल जो है आपका कुछ का सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर आ लिटिल का यूज़ होगा. नंबर फोर है आपका आई थिंक इट रेन टुडे, मेरे ख्याल से आज बारिश हो सकती है. तो यहाँ पर एक संभावना है बारिश होने की, आज इसमें संभावना के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका देर आर प्रीसेस बुक इन द लाइब्रेरी, प्रीसेस मतलब बहुमूल्य किताबें हैं लाइब्रेरी में, बहुमूल्य किताबें हैं, तो मच यूज़ होगा नहीं क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल में यूज़ होता है, और एनी हो नहीं सकता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे बुक्स प्लूरल है, इसलिए हम सम का यूज़ करेंगे. नंबर सिक्स, माय ब्रदर इज़ इंजीनियर, मेरा भाई इंजीनियर है. तो यहाँ पर तो ध्यान रखिए इंजीनियर, तो यहाँ पे एन वॉवल होने के कारण आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आपका वॉवल है, वॉवल होने के कारण यहाँ पे एन वर्ड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. नंबर सेवन है डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप, क्या आपने शॉप से चीनी खरीदी. तो ध्यान रखिए कि जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो वहाँ एनी का यूज़ करते हैं हम. नंबर एट, आई डोंट लाइक ऑफ दिस मोबाइल्स, तो यहाँ पर फिर से इंटरोगेटिव है इसलिए हम एनी का यूज़ करेंगे, ये थोड़ी सी पहचान है, आप ध्यान रखेंगे. आई डोंट लाइक ऑफ दिस मोबाइल्स, मुझे इन मोबाइल में से कोई भी मोबाइल पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए नीदर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नीदर का ऑलरेडी जो मीनिंग होता है वो नॉट होता है, तो यहाँ पे ईदर वर्ड यूज़ करेंगे हम. यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, अब यहाँ पर क्या है आपको धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे शुड चाहिए. नंबर टेन है वी आर गोइंग अ मैच टूडे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके प्लेइंग टू प्ले एंड प्लेट, हम मैच खेलने जा रहे हैं, मतलब आज हम मैच खेलने जा रहे हैं, तो इसलिए हम टू प्ले खेलने के लिए जा रहे हैं. माय फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, तो ध्यान दें यहाँ पर मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पे इन एट और इनटू में से एक यूज़ करना है. तो यहाँ पर कहीं भी रहने के लिए जब अंदर की बात हो दिल्ली में, मे के सेंस के लिए हम इनका यूज़ कर देते हैं यहाँ पर. वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन मेहनत करो अदरवाइज या अन्यथा हो सकता है आप फेल हो जाएं. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट का मतलब ऐसा ना हो कि, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल, तो इसमें ध्यान रखिए शुड का यूज़ करेंगे हम, एक ये आपकी पहचान भी है, जब आप इसमें लिस्ट का यूज होता है वहाँ पर आप शुड यूज़ करते हैं. नंबर थर्टीन है राम प्रेफर्स मिल्क डैश टी, यहाँ पे एड टू और देन का यूज़ है, तो ध्यान रखिए आप जब प्रेफर आ जाता है तो प्रेफर के साथ टू का ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे टू यूज़ करेंगे. नंबर फोर्टीन मिस्टर डेविड इज़ यूरोपियन, मिस्टर डेविड यूरोपियन है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे यूरोपियन जो है आपका यहाँ पे कंसोनेंट है, वॉवल नहीं, यहाँ पे कंसोनेंट होने के कारण यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, मतलब व्यंजन है यहाँ पर वो बेसक, चाहे यहाँ पे ई से शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो उच्चारण है वो कंसोनेंट है. नंबर फिफ्टीन आई हैव फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स मच और मैनी का यूज़ दोनों में से एक होगा, यहाँ पे मच जो है आपका अनकाउंटेबल, इसको जहाँ हम गिन नहीं सकते वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं, इसलिए हम मैनी का यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स. रामायण इज़ अ सेकंड बुक, रामायण जो है एक सेकंड बुक है, यहाँ पे ए अंदर का यूज़ करेंगे, तो कोई भी हमारा ग्रंथ हुआ, चाहे वो किसी धर्म का ग्रंथ हुआ, ग्रंथ के
पहले हम द आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हेयरिंग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माई ग्रैंड मदर इज हार्ड डैश हेयरिंग, मतलब यहाँ पे मेरी दादी माँ को कम सुनाई देता है, तो आप यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। हम इसको थोड़ा बाद में भी क्लिक करेंगे क्योंकि कुछ जगह पर यहाँ पर ऑफ का भी यूज़ हुआ है और ऑन का भी यूज़ हुआ है, तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं और भी क्लियर कर दूँगा, बट फिलहाल आप यहाँ पर ऑफ का ही यूज़ करें। नेक्स्ट है गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, तो यहाँ पे हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द बिल्डिंग हैज़ डाउन फॉलिंग फॉलन फॉल, इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, तो ध्यान देखिए द बिल्डिंग हैज़, तो हैज़ हैव हैड, जब परफेक्ट की बात होती है तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हम फॉलन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 20 ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, मतलब उसने बच्चों के बीच में मिठाई बांटी, तो यहाँ पे बीच में जब एक दो से अधिक व्यक्तियों की बात होती है या दो से अधिक चीज़ों की बात होती है हम अमंग का यूज़ करते हैं, और दो की बात होती है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। 21 हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसे शांति प्रदान करें, तो हम फिर यहाँ पे एक ब्लेस के रूप में बोल रहे थे यहाँ पे मे का यूज़ होगा। नेक्स्ट है दे अप्लाइज्ड द ओल्ड लेडी, दे अप्लाइज्ड द ओल्ड लेडी, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बूढ़ी औरत को माफ़ कर दिया, तो यहाँ पे 4 का यूज़ होगा। यहाँ पे आई डिडंट फाइंड देयर, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पर आई डिडंट फाइंड देयर एनी वन का यूज़ करेंगे आप, एनी नेगेटिव सेंस के चक्कर में एनी का यूज़ करेंगे। शी डजेंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर, उसके पास दो सहायता करने के लिए दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर फिर देखिए फ्रेंड्स मैनी मच एनी दिया हुआ पे और यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे, उसके पास कोई भी सहायता के लिए दोस्त नहीं है। उसके बाद है यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए टुमारो कल जाना होगा, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं विल हैव एंड शुड, तो ध्यान रखिए यहाँ पे टू यू विल हैव टू, मतलब तुम्हें कल मुंबई में मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा, तो विल हैव टू पड़ेगा। नेक्स्ट है आई एम नॉट एनेक्जियस माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम को लेकर परेशान नहीं हूँ या चिंतित नहीं हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखें एनेक्जियस अबाउट का यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो बचे हुए आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। थैंक्स, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल फ्लोरा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का भी यूज़ कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो जो अपलोड की जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक्स।